तो गाइस वेलकम टू द पबजी मोबाइल लाइट अनदर गेम प्ले। अजी हमने कहा आदाब और नमस्ते भी। भाई हम अपने टीममेट से बात करने की कोशिश कर रहे थे, हम क्या हेलो हेलो, ये लोग पता नहीं आपस में क्या बात कर रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हम कह आई निम्दे उरा, ये इसका मतलब क्या होता है? हम कह कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कैसे बात करें इन लोगों से? हम कह हेलो हेलो भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कह रहे हैं हिंदी आड़न ना, हमने कहा लग रहा है इन लोग को धान बोना पड़ेगा। हम कह हेलो 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 ब्रो, हेलो ब्रो, हेलो ब्रो, हुसा हुसा बबूसा। अब भाई यहाँ से लूट लाट के तुरंत निकल ले होते, तब तक भाई साहब एक आदमी गाड़ी लेके टहल ले होते और इधर ही आ रहे होते। हमने काफी बताते लो बेटा कंटाप, तब तक भाई साहब गाड़ी मोड़ लेते हैं और ये भाई साहब व्हीकल चैलेंज कर रहे थे। हम इंग्लिश में शाउटिंग करते हैं एनिमी कमिंग एनिमी कमिंग, और तीन नंबर और चार नंबर अपने हाथों में हाथ डाल के टहल लेते, पीछे से पिचकियाओ कर दिया। हम कह एक आदमी जाए तो ठीक है, दोनों लोग चले गए और दो नंबर चढ़ के छत पे ऊपर बैठ गए, नीचे आ नहीं रहे थे। हम कहे कहाँ जा रहे हो बेटा, पिचकियाओ। भाई साहब पिचक से आवाज भी आती है लेकिन पता नहीं मरते नहीं है, ऊपर से देखो गाड़ी फोड़ने लगे। हमने कहा अभी बताते लो बेटा, अबे अबे भाई साहब, लो भाई साहब घर के अंदर घुस गए और ये लोग एकदम खोपड़ी खा गए, एकदम ढिंचक ढिंचक, पता नहीं क्या बोल रहे थे। हम कहे इच्छिगड़ी इच्छिगड़ी, ये क्या है भाई साहब, ये क्या बोल रहे, ये कहाँ टहल ले लो, चलो ऊपर जल्दी से, तुरंत नागराज को डाउन कर देते हैं। हम कहे बंदा कहाँ है दूसरा वाला जो गाड़ी से कुचला है? तो भाई साहब ये लोग पता नहीं क्या बोले। हम कहे हिंदी में बोलो भाई। भाई साहब दो नंबर तो इतने बड़े डरपोक के नीचे आ नहीं रहे। हमने कहा ये कहाँ टहल लो बेटा कंटाप, चलो ऊपर। ये भाई साहब खाली लिए थे शॉटगन और VSS, खाली बस गाड़ी लेके निकल गए थे। जैसे ही बाहर आते लो बेटा कंटाप, चलो ऊपर जल्दी से। कहा भैया एबी डिविलियर्स है, खाली कुछ गन ना रखे हो ना कुछ, भाई साहब बस टहले पड़े हो, कुचले पड़े हो सबको, हैं हमारा रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, कहा अब कहाँ जा रहे हो? तो भाई साहब ये अपने लोगों को फोन कर रहे थे कि जल्दी आओ यहाँ बंदे हैं। भाई साहब हम अपना आराम से जो है लूटे पड़े थे, तब तक अचानक से हमें एक बग्गी की आवाज आती है। हम कहे बग्गी कहाँ रही, तब तक देखते है सामने से दो लप्पू झप्पू बग्गी में बैठ के हमारी तरफ आ रहे। हमने कहा लो बैठ गए। अब भाई हम ऊपर जाके देखते हैं तो इनके पास रहता है गुम्मा और ये लड़ाई उड़ाई छोड़ के पता नहीं अंदर क्यों भाग जाते हैं। हम क्या अंदर क्या करने गए बे, तो जाके देखते हैं भाई गुली गुली चल रहा है। लो बेटा कंटा गुली गुली करोगे? तो भाई एक भैया ने तो गजब ही क्वेश्चन कर दिया, कह रहे हैं कि भैया इस बार आप फेस रिवील करिए साड़ी पहन के। हम कहे पूरे गोबर है होका, आई एम अ बॉय नॉट अ गर्ल, व्हाई आई वियर साड़ी। हम कह लो एक बार फिर से खुजली करे। हमने कहा हेलो 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 हेलो, हाँ बोलो भाई। हम कहे ज्यादा खुजली मत करो वरना भाई साहब दोनों लड़के मिलके हमारा कहीं गला ना दबा दे। अब इन लोगों के पीछे पीछे हम जा रहे थे तो ये लोग पहुंच जाते हैं ड्रॉप पे, और ड्रॉप पे पहले ही से बंदे मौजूद थे और एक आदमी हमको दिख जाता है पत्थर के पीछे आराम से खटिया बिछा के लेटा था। तो हम सोचे पिचकियाओ कर दे, लेकिन भाई साहब एक स्क्वाड पूरे खुले में और चारों बंदे थे, सब पे गोली चला रहे थे भनाभन। हम कहे अगर जाएंगे तो ठेल दिए जाएंगे, खुले में फाइट सही नहीं है। तब तक भाई साहब ये लोग गोली चला चला के हमारी गाड़ी से धुआं निकाल दिए। हम कहे ब्रो एनिमी हैज फोर्डिंग माय व्हीकल, हाउ कैन आई कम देयर, यू कम हियर, यू वेट देयर ओनली। अब भाई साहब एक आदमी बहुत देर से खटर पिटर किए था कार 98 से, अब भाई साहब दिख जाते। हमने कहा लो बेटा कंटाप, चलो भागो अंदर से, तुरंत सूर्य दे अंदर निकल जाते। हम कहे चलाओगे कार 98? अब भाई इधर हम बंदों को मार रहे थे, उधर भाई साहब हमारी टीम पे रस हो जाता है और हमारी टीम का एक बंदा डाउन हो जाता है और एक भाई साहब पता नहीं क्या कर रहा होता है, गोली चलाना स्टार्ट करता है तो बंदे भी हो रहा है भन 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 भन। हमने कहा क्या कर रहा है भाई, खोपड़ी खाएगा क्या मेरी पूरी? भाई इधर हम लड़ाई कर रहे होते हैं तब तक हमारी टीम का एक और बंदा डाउन हो जाता है। हम कहे क्या कर रहे हो बे, उधर रुको हम आ ही रहे हैं। अब हम जा रहे होते गाड़ी निकाल के, तब तक भाई साहब एक आदमी यहाँ पहले से घात लगाए बैठा रहता है। जैसे ही हम गाड़ी लेके निकलते हैं भाई साहब गोली चलाना स्टार्ट करते हैं। हमने कहा बे 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 फट जाएगी बे, रुको बेटा भम भम भम, कौन कर रहा है लॉबी इन द हाउस बेबी।
हम कहे वैसे तुम इतनी देर पेड़ के पीछे बैठ के कर कर रहे थे, अब भाई साहब सामने वाली गाड़ी उठा के हम तुरंत जाते पायलट प्लाजा, कहे से जोन आखिरी यही बना रहता है और हम हो चुके रहते लेट, सब लोग पहुंच चुके होते पहले से खाना वाना खा के एकदम रेडी रहते हैं और ये भाई साहब डंडा करने लगते हैं ऊपर जाओ ऊपर जाओ। हम कहे क्या करें ऊपर जाके, ऊपर जाओ। हम कहे चलो भैया ऊपर चले जाते हैं वरना ये तो खोपड़ी खा जाएगा। नहीं पूरा बिल्डिंग के ऊपर चढ़ो। हम कहे बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के क्या करेंगे जब गोली नहीं है, एमो नहीं है, ये M4 है ना, 3x स्कोप है उससे। कहीं पूरा गोबर है का। हम कहे भाई मेरे पास गोली नहीं है तो मारेंगे किससे, हवा से मारेंगे। भाई यहाँ से M762 हम उठा लेते हैं, ये कभी हम उठाते नहीं है, कहे से ये गन चलती कम है और चिल्लाती ज्यादा है। भाई सामने से गोली की आवाज आ रही होती है और खाली हम अकेले बचे होते तब तक स्क्वाड दिख जाती है। हमने कह लो बेटा कंटाप, भाई साहब देख लो एकदम भमा भम भाना भन चली पड़ी है और ये लोग भाई साहब हम एक गोली चलाए तो ये 50 गोली चलाए। भाई जिस तरीके से ये लोग गोली चला रहे थे हमको तो लग रहा था ये लोग बहुत गुस्से में हैं। अब हमने कहा जब तक जान बाकी है तब तक जो है लड़ाई करते हैं, तो ये भाई सब उछलते कूदते जाए थे। हमने कहा लो बेटा कंटा बहुत उछल लो, तुरंत इनको लुटका देते। हम कहे डैडी व्हाट आर यू डूइंग डैडी, तब तक इनको भी मारते। अबे 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 क्या कर रहा है। हम कहे डैडी योर फ्रेंड 108 इज सो नॉटी डैडी। हमने कहा जल्दी से हेल्थ किट लगाओ, अब नीचे लोग चिल्ला रहे थे अरे बचाओ अरे कौन गुली गुली करो अरे बचाओ जल्दी से। हमने कहा रुको बेटा अभी आते तुम लोग को जो है तुरंत प्रसाद देंगे। हमने सोचा लो एकदम बम निकाले दे इनको प्रसाद, अब हम गाना गाने लगते हैं। आज मैं ऊपर आसमानी चलो बेटा भम, कोई मरा नहीं क्या, कहाँ टहल लो भैया ये देख लो इनको, लो बेटा भम भम चलो ऊपर, कोनो आए नहीं का तुमको गुली गुली करने। अब पीछे से ये डंडा किए पड़े थे यहाँ जाओ वहाँ जाओ। हमने कहा रुको भाई साहब तुरंत एक बम का गोला निकाले, पूरा एनवायरमेंट पोल्यूशन किए थे, गोईठा जलाए थे कुछ दिख ही नहीं रहा होता है और भाई साहब बम लड़के बाहरी से अंदर आ जाता है। हमने कहा भैया क्या कर दिए भाई पूरे गोबर हो का। और भाई जब ये बंदा बोलता है वेल डन तब मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहे भाई हम नहीं आएंगे वहाँ पानी भरा है। हम इन्हीं की टीम में है, हम बोल रहे हम नहीं आएंगे वहाँ पानी भरा है और ये लोग को भाई साहब आधे घंटे बाद पता चलता है कि ये हम ही हैं। अरे यार तुम तो हमें टटर पटर तो भाई दो यार तू तो मेरे साथ में है भाई। हम कहे वो जो स्टेडियम आने की धमकी दे रहे थे वो तुम ही लोग हो क्या, हमें तो पता ही नहीं चला। वही तो पूछ रहे हैं भाई साहब। तुरंत इन लोग को गाड़ी में बैठा के निकलते तो इस डिस्ट्रिक्ट के पास गोली की आवाज आ रही होती है और एक आदमी सारे केडी बड़ा देवता को मार रहे होते अकेले। हम जैसी पहुंचते देखना चारों लोग इनके ऊपर कैसे टूट पड़ेंगे। हम कहे कौन गिर गया भाई मुंह पलटा। अब भाई गाड़ी लेके तुरंत निकलते हैं तो आगे थर्ड डील में गोलियों की आवाज आ रही होती है और भाई साहब ये लोग लेके बैठे थे लॉन्चर। रोक रहे भैया एकदम धाने बो देते हैं। अब भाई साहब हम लोग एकदम चुपके से जाते हैं और यहाँ हम लोग को मिलने वाले फ्री के गिल। लो बेटा कंटाप चलो ऊपर, और कोनो है का भैया कहाँ है, तब तक एक आदमी और मिल जाते हैं। हमने कहा लो बेटा कंटाप चलो ऊपर। अब भाई साहब यहाँ एक आदमी जो गुम्मा लेके भम भम कर रहे थे, हम कहे रुको तब तक देखो किडी बॉय देवता को। हम कहे रुक जाओ भैया अभी बिजी है। लो बेटा कंटाप चलो ऊपर जल्दी से। अब भाई साहब हमारी टीम के जो थे चार नंबर वो भाई साहब प्रदीप वो किडी बॉय देवता को भी गुम्मे से मार रहे भम भम एकदम पगला गया था।
तब तक केडी पढ़ाई देवता की बीवी आ जाती है वो खोपड़ी खाने वाली बंदूक लेके। भाई साहब उनको भी ये जो है देगुमा मार के सुला देते हैं और पता नहीं क्या होता अचानक से इतने खुश हो जाते हैं। देखो अभी भाई साहब और उधर एक भाई साहब छोटा बच्चा धान बोया रहता है। भैया आरपीजी लियो कि नहीं? आरपीजी लियो लियो आरपीजी भाई। एक आदमी जैसे ही ड्रॉप लूट के जा रहे होते हम उनको बीच रास्ते पे दबोच लेते हैं। हमने कहा जा रहे हो भैया पहले प्रसाद ले लो, बिना प्रसाद दिए हम ऐसे कैसे जाने देंगे। भाई साहब लो भैया और चाहिए नहीं थोड़ा ले लो। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे थोड़ा ले लो इनके दोस्त को भी चाहिए का। अरे तुम पहले ले लो तुम्हारा भी एकदम पेट भर देंगे। भाई साहब ऐसा प्रसाद देते हैं डायरेक्ट लॉबी पहुंच जाते हैं। दर भाई साहब एक नंबर और चार नंबर को इतनी खुजली मची रहती है बंदों को मारने की कि भाई साहब वो लोग अकेले चले जाते हैं। हम कह रुको भैया कहाँ भागे जा रहे हो? अरे पागल चलो चलते हैं चल भाई चल। अब भाई इधर हम पूरा नदी नाला तालाब वालाब क्रॉस करके पहुंच रहे होते हैं तब तक उधर एक नंबर और चार नंबर अकेले उधर दोनों लोग फाइट ले लेते हैं और भाई साहब जोरन ठेल भी जाएंगे। अभी पीछे से जो है तीन नंबर जाके बचा लेते हैं। एक बंदा कहीं और से गोली चला रहा था तो हम पहले पूरा कैलकुलेशन करते हैं। हम कहे इफ आई कम फ्रॉम द देयर फ्रॉम द फ्रंट देन आई विल डाई एंड विल बचा। भाई साहब ये दोनों चिल्ला रहे थे अरे बचाओ अरे हाथ लगाओ जल्दी। इधर उनकी टीम के ये दोनों बंदे चिल्ला रहे थे और भाई साहब इनके आखिरी बंदे चढ़े रहते सामने वाली छत के ऊपर। हमने कहा आओ भैया तुमको प्रसाद देंगे तब तक ये आ जाते। कहे भाई हाथ लगा दो। हम कह लो भैया तुम्हारा गुली गुली करते और तीन नंबर हाथ ही नहीं लगा रहे हैं। हमने कहा तीन नंबर कब तक लूटोगे भैया जाओ उसको हाथ लगाओ। तीन नंबर ए तीन नंबर पूरा गोबर है का ही। और इधर इनको देख लो भाई साहब कौनो इनको हाथ ही नहीं लगा रहा है। अब भाई साहब तुरंत इधर मार मोर के सबको गाड़ी लेके निकल चलते। कहें से दो ही बंदे थे तो सब में होड़ मची हुई थी कि कौन किल करेगा। हमने कहा चलो भाई साहब तो तुरंत हम गाड़ी उठा के गाना गाते हुए जा रहे थे। दारू 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 जो ना नाचे उसको मारू। अब भाई साहब दोनों लप्पू झप्पू कहीं दिख ही नहीं रहे थे स्मोक किए लेकिन भाई साहब दिख नहीं रहे। तब तक पता चलता है दोनों लोग यहाँ खटिया बिछा के लेटे हैं। हम कहे कहाँ लेटे हो यहाँ क्या कर रहे हो? तब तक भाई साहब हमको देख के भागने लगे। हम क्या अभी बताते लो बेटा अबे ये कैसे निकल गया अबे। भाई साहब इतनी गोली चलाने लगते हैं सब और इधर उधर से ऐसा निकलने लगते हैं कि हमारी पूरी गाड़ी फोड़ डालते हैं धुआं निकाल देते हैं। हम कहे भागो भैया अबे आग निकालेगी क्या सब। तुरंत हम खट्टे से उतर जाते हैं। हम अपनी जान बचा के तुरंत भागते हैं। पीछे से हमारे तब तक जो है टीममेट कवर फायर देते हैं वो तो बोलो हम बच गए वरना हमारी लंका यहीं लग जाती। हमने कहा हेल्थ किट लगाओ भैया वरना ये दोनों किल के चक्कर में तो हमारी लंका ही लग जाएगी। तब तक भाई साहब एक जोन से ही चले गए। कहां जा रहे हो भैया? लो बेटा भम 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 चलो ऊपर जल्दी से। उनके आखिरी बंदा कहां है? तो एकदम डेरा के जो है बैठे रहते। हम कहे यहां लो बेटा भम 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 तो गाइस इनको तो हम मार देंगे बाकी हम लोग मिलते हैं कल 12:30 बजे। बाय बाय।